नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से इस समय सुमित देख लेगी कि किस तरीका से रौनक पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है, क्योंकि दोस्तों सुमित बेल कराने के लिए आई थी, क्योंकि सुमित अपनी कंप्लेंट वापसी लेने के लिए आई थी। हालांकि दोस्तों सुमित ना किसी भी तरीका से इस लोग की मोम को फंसाया नहीं है, बल्कि उसमें रौनक का बहुत बड़ा हाथ रहा है, शगुन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई और भी ट्विस्ट लगातार लाती हुई नजर आ रही है। सभी लोगों को पता लगेगा जल्द ही कि आखिरकार पूरी कहानी कैसे कैसे रची जा रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सुमित को फंसाने के लिए इस समय सुमित के नाम से इधर उधर कॉल करी जा रही हैं ताकि सुमित बदनाम हो। और रौनक की मॉम यानी शगुन जो इस समय प्लानिंग कर रही है वो बहुत ही गिरी हुई प्लानिंग लगातार होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय शगुन चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन सुमित हार मानने वालों में से नहीं है। सुमित ये प्रूव कर देगी कि पुलिस वाले इनको भी रौनक ने रुपये दिए हैं, क्योंकि पुलिस वाले को भी पता थी उस समय कि हाँ ये शादी रौनक के साथ नहीं बल्कि इस लोग के साथ हुई है, क्योंकि पुलिस वालों ने बोल दिया है इस समय रौनक से कि रौनक अगर हम चाहें तो तुझे एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सपोज करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी खातिर करो, हम तुम्हारे राज को दबाए कर रखेंगे, तुम अगर हमें कुछ रुपए दोगे तो हम शांत बैठेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय रौनक पैसों की बदौलत अपना साम्राज्य इस तरीक़े से छुपा रहा है, अपनी गंदी चीज़ों को, ताकि किसी को भी किसी भी तरीक़े से कोई आभास ही पैदा ना हो सके। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि करने का फल बुरा ही होता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये लोग वाकई में बेहद ज़्यादा बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने वाकई में इतना मेरे को सपोर्ट किया है।